गुड मॉर्निंग किड्स, नाउ वेलकम बैक टू आवर ईवीएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में बेटा हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब हमें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, चैप्टर था आपका माई एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली के बारे में था, एक्सटेंडेड फैमिली। इसके भी पहले आपने फैमिली के बारे में पढ़ा है, जॉइंट फैमिली पढ़ा है ना, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। तो वैसे ही ये एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर इसमें और क्या पढ़ा, एक पिया है, पिया नाम की एक गर्ल है, जो कि अपने कज़न्स के साथ जाती है, कज़न के साथ जाती है, फैमिली ट्रिप प्लान करती है, वेकेशन में जाती है, फिर सेलिब्रेशंस पे भी उनसे मिलती है। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है, इनसे हम कब कब मिलते हैं, किस ओकेज़न पर मिलते हैं, क्या ये हमारे साथ ही रहते हैं, इन सब बातों का पता हमें इस चैप्टर में हमने पता किया है। ओके, और क्या क्या करते हैं हम फैमिली के साथ, और फैमिली हमें क्या बताती है, सेफ्टी मेजर्स भी बताती है कि ये आप सही कर रहे हो, या आपके लिए अच्छा है, या फिर ये अच्छा नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें फैमिली में बताते हैं ना बड़े लोग, जो हमारे एल्डर्स रहते हैं। यस, तो हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो बेटा अब हमें करना है एक्सरसाइज सॉल्व। सो टेक आउट योर बुक एंड कम टू द पेज नंबर 17। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर बुक एंड चैप्टर नंबर 17। अब एक्सरसाइज, लेट्स आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है बेटा, आपको आंसर जो भी सही है आपको टिक करना है। मेंबर्स ऑफ आर एक्सटेंडेड फैमिली आर रिलेटेड टू अस बाय, जो एक्सटेंडेड फैमिली रहती है वो हमसे कैसे रिलेटेड रहते हैं, बाय ब्लड और मैरिज, या फिर दोनों, ब्लड से भी कनेक्टेड रहते हैं और मैरिज से भी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड, बोथ। तो यहाँ पे लगाया हमने टिक, देन यहाँ लिखा हमने बोथ। ओके, नाउ द फैमिली मेंबर्स डैश ईच अदर, क्या करते हैं फैमिली मेंबर्स, शो टेंटरम्स टू फाइट विथ या हेल्प, क्या करते हैं फैमिली मेंबर्स आपस में, हेल्प करते हैं ना एक दूसरे की, सो हेल्प ईच अदर। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑफन मीट ड्यूरिंग, जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, जैसा कि आपको पता है, सब एक साथ तो नहीं रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन कभी कभी वो लोग मिलते हैं किसी ओकेज़न पे, या फिर कोई फंक्शन रहता है तब। देन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑफन मीट ड्यूरिंग, तो कब मिलते हैं वो, फैमिली फंक्शंस, ऑफिशियल टूर्स या एग्ज़ाम्स, क्या सही लग रहा है आपको, फैमिली फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं ना। यस, नाउ व्हेन एवर यू आर गोइंग आउट यू मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय योर एल्डर्स, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी वो टेक केयर करते हैं आपकी, तो कौन करता है, हमारे एल्डर्स करते हैं। नाउ इफ़ समवन टचेस यू इनअप्रोप्रिएटली यू मस्ट डैश, जब आपको कोई आपको टच करता है और आपको वो सही नहीं लगता है, यानी कि आप ठीक फील नहीं करते हो, आपको बेकार लगता है, इट फील बैड, तो क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, मेक अ नॉइज अबाउट इट, क्राई, कीप क्वाइट, क्या करना चाहिए, क्या करते हो आप लोग, यस, मेक अ नॉइज अबाउट इट, नॉइज करना चाहिए, यानी कि शोर करना चाहिए, चिल्ला देना चाहिए कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स नाउ हियर आर डैश आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर फैमिली, अब इसमें से क्या हो सकता है, एडवाइस, गेम्स, ट्रेडिशनल, ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स है ना हमारी फैमिली ट्री में, यस। नाउ सेकेंड वन, वी मस्ट प्ले डैश टू कीप आवर सेल्फ फिट, फिट रखने के लिए, आपको फिट रखने के लिए क्या करते हो आप, वी मस्ट प्ले, फिर खेलते ना हम क्या, गेम्स टू कीप आवर सेल्फ फिट, अब गेम्स खेलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आप फिट हो जाएंगे, नहीं, वी मस्ट प्ले गेम्स टू कीप आवर सेल्फ फिट, एक्सरसाइज जिसमें होती है, जिसमें दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब जो होता है वो आपको, वो गेम्स क्या करते हैं, आपको फिट करते हैं, फिट रखते हैं। ओके, नाउ हाइड एंड सीक एंड कबड्डी आर डैश गेम्स, ये कौन से, ये हमारे बहुत पुराने गेम्स चले आ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स, ठीक है। द एल्डर्स इन आर एक्सटेंडेड फैमिली गिव अस, जो बड़े लोग होते हैं हमारी फैमिली में, वो हमें क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसी भी चीज़ को। द
then we should not have our own dash till we are 13 years old. Yes, जब तक आप 13 years के नहीं हो जाते हो तब तक आपके पास क्या नहीं होती? अपनी खुद की ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए. है तो बहुत गलत है लेकिन होना नहीं चाहिए, ठीक है? जब तक आप 13 years के नहीं हो जाते हो तब तक आपकी खुद की ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए. Now, see, right, true or false? True false करना है अब हमें. Brothers and sisters of our parents are not part of our extended family. नहीं होते हैं क्या? जो brother and sister होते हैं वो हमारी extended family में नहीं आते? आते हैं, तो false. ये कह रहे हैं कि not a part of our extended family, but वो हमारी family के part हैं, वो हमारी family का हिस्सा हैं. तो ये sentence क्या हो गया? False. The family members help each other in time of distress. सब एक दूसरे की help करते हैं जब कोई problem आती है. Yes. So, true. Now, we must chat with a stranger on the social site. Stranger से हमें क्या chat करना चाहिए? बातें करनी चाहिए, उनको message करना चाहिए. जिसे हम नहीं जानते हैं strangers को on social site, like जो आप email ID या internet use करते हैं. करना चाहिए क्या? हमें किसी stranger से बात करनी चाहिए क्या? नहीं. तो फॉल्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन, व्हाट इज एक्सटेंडेड फैमिली? यू नो वेरी वेल. कम ऑन, आंसर मी. नाउ हियर लेट्स सी. द रिलेटिव इन द फैमिली आर नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. क्या होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली? जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वही होती है ना हमारी एक्सटेंडेड फैमिली. यस, दे आर रिलेटेड टू अस बाय ब्लड और मैरिज. या तो ब्लड या तो मैरिज का कनेक्शन होता है, इससे हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू लव टू डू विद योर कज़न. अब कज़न के साथ आपको क्या करना अच्छा लगता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बट हमें कुछ, हमने दो ही मेंशन किए यहाँ पे. आई लाइक टू गो ऑन अ वेकेशन विद माय कज़न. घूमना पसंद है, वेकेशन पे जाना अच्छा लगता है उनके साथ. यस, देन आई लाइक टू वॉच मूवीज, प्ले इनडोर एंड आउटडोर गेम्स. और आप उनके साथ मूवीज़ भी देखते हो और गेम्स भी खेलते हो. नाउ थर्ड वन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स. ट्रेडिशनल गेम्स जो बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं हम लोग, आपके बहुत सारी जनरेशन भी खेलती आ रही है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आप भी खेलते होंगे. हाइड एंड सीक एंड सेवन स्टोन्स आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, हाउ डू द मेम्बर्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली हेल्प वन अनदर. एक्सटेंडेड फैमिली में जो मेम्बर्स रहते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? Let's see. The members of the extended family help each other in many ways. बहुत तरीके से वो हमारी help करते हैं, एक दूसरे की help करते हैं जो भी family में होते हैं. कैसे? They look after the young ones and also give advice. जो हमारे बड़े होते हैं, जो elders होते हैं, वो young ones यानी कि जो भी छोटे रहते हैं उन्हें, उनकी देखभाल करते हैं, उन टेक केयर करते हैं उनकी. और क्या करते हैं बेटा? उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है, सजेशन देते हैं. Clear? Question answer completed. So let's see. This is your chapter number 2, my extended family, hard words. बेटा ये hard words आपको लिखना है यहाँ पर और learn भी करना है. Okay? You have to write in that manner. And after that, question answer. Okay. Now, इसके पहले बेटा मैम ने आपको एक homework दिया था, family tree. Yes. Now. फैमिली ट्री, आपको भी ऐसी सुंदर सा फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, कलर करना है. ओके, जितने भी मेंबर हैं आपकी फैमिली में, आपको इतने स्माइलीज ड्रॉ करने थे. ओके, सो ये एक स्टूडेंट की नोटबुक है बेटा, उसके फैमिली मेंबर्स इसके अकॉर्डिंग है. तो उस स्टूडेंट ने ऐसे इस चीज़ को ड्रॉ किया है, फैमिली ट्री. ओके, आपको भी ऐसी सुंदर सा ड्रॉ करना है. ओके, नाउ थैंक यू सो मच.